नहीं थम रही रफ्तार। टाइमा ने देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे बताए 3 कारण। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा, हमारे देश में हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी के पीछे कोविड-19 के प्रति बेफिक्र व्यवहार, कम परीक्षण दर और कोविड के एक नए संस्करण का उभरना एक बड़ा कारण हो सकता है। कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर भारत में बढ़ रहा है। दैनिक मामले चौंकाने वाले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वायरस धीरे धीरे अपना पैर पसरता जा रहा है। देश के कुछ राज्यों में वायरस के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 35,199 हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का IMA ने बताया कारण। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का देश भर में बढ़ते कोविड संक्रमणों पर बयान सामने आया है। IMA ने कहा, हमारे देश में हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के पीछे कोविड-19 के प्रति बेफिक्र व्यवहार, कम परीक्षण दर और कोविड के एक नए संस्करण का उभरना एक बड़ा कारण हो सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सोमवार और मंगलवार को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों के भाग लेने की संभावना है। वहीं सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल के पहले दिन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल की तैयारियों का निरीक्षण किया।